गुड इवनिंग एवरीबडी हा आई यू ऑल वेलकम बैक टू डि गाइड इन डबल सेवन डबल सेवन आई एम बैक विद अनादर फ्रेश न्यू रीडिंग और आज की रीडिंग जो है वो जोडियक साइंस से रिलेटेड है अभी मैंने नेक टू नेक वीडियोज़ अपलोड की हैं एंड आई एम स्टिल इन अ प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियोज इन अपलोडिंग दैम सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू रीड फॉर जोडियक साइन वर्गो और अभी मैंने जो है वो जितनी भी वीडियोस देखी हैं अगर आपको लगे कि ये आपके एलिमेंट्स से जो है वो रिलेट करती हैं तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी दिस इज़ गोइंग टू कवर दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू कवर द अपकमिंग टू वीक्स व्हिच विल बी द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड द फर्स्ट वीक ऑफ नवम्बर आई एल बी कमिंग विद अ वेरी फ्रेश रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवम्बर एज़ वेल बट आई जस्ट थाट कि मैं जो है वो दो वीक्स की एनर्जी एनर्जीज साइन की जो है वो रीडिंग करूँ और वो अपने व्यूअर्स शेयर करूँ बिकॉज डेफिनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग तो होगी और ये जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव होगी बट ये रेजिनेट करेगी उन तमाम लोगों से जिनका जॉडिक साइन जो है वो वर्गो है एज वर्गोज इज वर्गोज आर ऑलवेज यू नो परफेक्शनिस्ट बड़े पजेसिव होते हैं तो अच्छे लगते हैं मुझे कि बहुत ही जो है वो डिटर्मेंड होते हैं तो लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या आता है इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टाइम टाइमलेस रीडिंग अगेन आई रिपीट इट्स गोइंग टू बी फॉर टू वीक्स तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे बट फॉर योर सेटिसफेक्शन आई शफ़ल दैम अगेन आज एक बड़ी यूनिक सी बात हुई है कि मैंने बहुत सारी रीडिंग्स जितनी भी अब तक ली हैं या की हैं रिकॉर्ड की हैं या किसी के लिए की हैं ऑन कॉल वीडियो कॉल पे मैं जो है वो आ, जो है लोगों की रीडिंग्स करती हूँ और प्राइवेट रीडिंग्स जब मैं दे रही होती हूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ, जो है वो हर किसी के कार्ड में आया है तो मुझे लग रहा है आज जितने भी लोग हैं वो अपनी ब्यूटी पर अपनी अपीरियंस पर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग लेट्स सी आई विल टेक फाइव कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी आपकी सेवन ऑफ सोर्ड्स की आई है वर्गोस ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि या तो आप अभी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हुए हुए हैं या कोई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हुआ हुआ है लेट्स सी इन टू वीक्स में क्या आता है लेट्स विद द प्रैक्टिकल लाइफ वॉट इज़ द मैसेज ओके कुछ सिचुएशन uh, ऐसी हुई भी है आप बहुत ज़िद्दी हुए हैं इस वक्त कोई बात ऐसी हुई है फ़ैमिली में ऑफिस में कि आपने कुछ आ, अपने अतराफ में जो है वो बड़ी रैशनल माइंडेड हो गए हैं आप बहुत ही इंटेलिजेंट uh, और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं आप अपने अपनी स्ट्रैटजीज़ में uh, लेकिन बहुत सीरियस हुए हुए हैं चीज़ों को लोगों को सिचुएशंस को कंट्रोल करने की uh, आज इस वक्त जो है वो आपके अंदर एक एनर्जी नज़र आ रही है हो सकता है आप किसी काम में इन्वॉल्व हों या हो सकता है फैमिली में कोई ऐसे मैटर्स हुए हों जिसकी वजह से आपको कुछ डिसीजंस uh, लेने पड़ रहे हों या आपको पावर में आना पड़ रहा हो तो आप इस वक्त ज़िद्दी भी हुए हुए हैं आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हुए हैं और आपने बहुत फर्म बाउंड्री सेट की हुई हैं किसी के मैटर को डील कर रहे हैं जहाँ तक मैं असेस कर पा रही हूँ या मुझे फीलिंग या मुझे एनर्जी पे हो रही है कि किसी के किसी की सिचुएशन को डील कर रहे हैं और उस सिचुएशन को डील करने के लिए शायद जिस केस या मैटर को डील कर रहे हैं उस पर्सन को खुद अपनी अपने प्लस माइनस या प्रॉज एंड कॉन्स का समझ में नहीं आ रहा और आपने उसको दूर से बैठ के भी असेस कर लिया है तो इसलिए आपकी ये कंट्रोलिंग और एक सीरियस एनर्जी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है अगर मैं आपके माइंड की बात करूँ ओके क्वीन ऑफ Swords <laughs> ये तो जोड़ा बन गया किंग ऑफ़ Swords और क्वीन ऑफ Swords डेफिनेटली कोई लेडी हैं या या कोई पर्सन हैं uh, मेरे ख़्याल में जिससे आप डील कर रहे हैं ना वो भी इतना ही ज़्यादा सीरियस और इतना ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है और इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये ओवरऑल एनर्जी आई है कि आप दोनों जो है ना वो सीक्रेटिव हुए हुए हैं या आप इस वक्त सीक्रेटिव हुए हुए हैं वर्गोज़ वैसे ही बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं मेरे ख़्याल से आप इतफाक़ से वर्गो से ही डील कर रहे हैं या आप अपने सेम एलिमेंट से डील कर रहे हैं जो कि के, कैप्रिकॉन या टॉरस हो सकते हैं और दोनों ही इस वक्त आप दोनों में शायद बातचीत नहीं चल रही अगर ये मेल देख रहे हैं तो आपके फीमेल पार्टनर में बातचीत नहीं चल रही अगर फीमेल्स देख रही हैं तो उनके मेल पार्टनर के साथ बातचीत नहीं चल रही आप अगर कुलग्स हैं और अपने आप कुलग को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोगों का ऑफिस में किसी बात पर कोई झगड़ा हुआ है Uh, और इशू या पॉइंट ऐसा है कि दोनों के दोनों जो हैं वो अपनी बात से हटने को तैयार नहीं हैं तो आप देखें दोनों ने कैसी तलवार उठा रखी है जो किंग है वो फ्रंट पे देख रहे हैं और क्वीन कह रही है साइड में देख रहे हैं। उन्हें हाथ उठा हुआ है कि तुम निकलो यहाँ से तो <laughs> ये बहुत स्ट्रांग uh, वो है एनर्जी uh, तो अगर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए तो येस देर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ जो कि बिल्कुल आपको मिरर करता है आप शायद इस सिचुएशन में किसी ट्विन फ्लेम को भी डील कर रहे हैं अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं तो डेफ़िनेटली बिल्कुल आप ही की तरह जो है वो बिहेव करेंगे अगर हम डिज़ायर्स की बात करें ओके अच्छा जनाब हो सकता है पिछले दो हफ्तों में या एक महीने से आपका इनके साथ कंटिनसली फ़ाइट्स चल रही हैं Uh, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हुए हैं तो ये जो पर्सन है इन्होंने आपके ऊपर कोई ना कोई आपको एक्यूज़ किया है किसी मैटर को लेकर आपने इन्होंने आपको कोई चीज़ ऑफ़र की थी या तो प्रपोज़ल हो सकता है या कमिटमेंट हो सकती है या कोई कोई भी चीज़ ऑफ़र की थी आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया शायद आपने इनसे कमिटमेंट की बात की थी और अब आप पीछे हट गए हैं ड्यू टू सर्टन रीजन विच आई डोंट नो ये रिसेंटली हुआ है जिसकी वजह से या तो ये पर्सन जो जो आपकी लाइफ में है अभी ये आपसे जो है वो थोड़ा सा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं या फिर ये आ, आप ख़ुद हैं आपको शायद थोड़ा सा बोर्डम भी फील हो रहा है आपके अंदर एक अननेसेसरी सी एक नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट हो रही है आप अपने ही ऊपर जो है वो आ, मतलब बिला वजह में अपने ऊपर आपने जो है ना गम तारी कर लिया है हालांकि यहाँ पर ये दो कप्स हैं लेकिन आप ये ऑफर को देख ही नहीं रहे और आप उनको देख रहे हैं जो यहाँ पर गिर गए हैं होप अभी भी है ऐसा मत सोचिए कि अगर ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है मुझे ऐसा फील हो रहा है सो जितने भी वर्गोज़ देख रहे हैं उनके जहन में उनकी लव लाइफ़ है तो लव लाइफ़ अगर है इस वक्त जितने भी वर्गोज़ अगर अभी देख रहे हैं तो आई फील कि आपके पार्टनर ने आपको लव ऑफ़र किया था जिसको आपने अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स में रिजेक्ट किया है आप थोड़े से इतने ज़्यादा सीरियस रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर अपने करियर को लेकर अपने वर्क को लेकर या आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर कि इनको भी क्लोजर नहीं मिला जो आपके पर्सन हैं आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम हैं या आपके काउंटर पार्ट हैं और उसमें होते हुए हुआ ये है कि उन्होंने आपको शायद छोड़ दिया है और आप जो है वो आ, या तो आपने उनको छोड़ा है या उन्होंने आपको छोड़ा है बट स्टिल देर इज़ अ होप जो मैं अगर आपकी डिज़ायर की और एक पैशन की बात करूँ तो आपका माइंड जो है वो इस वक्त ऐसा हुआ हुआ है अगर मैं आपकी इमोशनल साइड की बात करूँ इस वक्त ओके सी एज आई सेट कि स्टिल देर इज़ अ होप ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत ही uh, जैसे कहना चाहिए आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद इनको रखती है आप यू आर अ स्टार वर्गोज़ जो हैं जो इस वक्त देख रहे हैं आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है आप लोग अपने अंदर एक बहुत अच्छा मैग्नेटिक पुल रखते हैं जिसमें लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं आई थिंक uh, ये जो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है बिकॉज़ ये रीडिंग समभाव ऐसी जा रही है कि ये लव रीडिंग बनती जा रही है तो अगर ये लव रीडिंग ही हो रही है तो आई मस्ट से कि आपकी जो ये पर्सनालिटी या ये एनर्जी है आप इसमें वापस आ जाएं क्योंकि इसमें होने से आप इनको मैनिफेस्ट कर सकेंगे लेकिन अगर आप एक ज़िद्दी पर्सन की तरह रहेंगे रहेंगे तो हो सकता है कि आप वाकई आपको जो है वो इमोशनल लॉस हो जाए इन्हीं सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है वो बहुत सारी बातें इनसे कहना छोड़ दी हैं कहना डिस्कस करना बताना क्योंकि आपको ऐसा लगता है शायद एक ही तरह की बातें बार 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 होती रहती हैं और एक बोर्डम क्रिएट हो गया आपके रिलेशनशिप में बट होप का कार्ड सक्सेस का कार्ड ये एक बहुत बहुत ही जैसे कहना चाहिए ना आउटशाइन पर्सनैलिटी वाला कार्ड है तो होप इज स्टिल देर अब आपके लिए अगर गाइडेंस देखी जाए ओके okay, सी नाइन ऑफ वनस यू आर वेरी क्लोज़ यू आर वेरी नीयर टू रिज़ोल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट जस्ट हैपन इन पास टू वीक्स आई थिंक आपको जो है वो बस थोड़ा सा आ, थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए आपको हिम्मत दिखानी है आ, इससे पहले कि कुछ बुरा हो आपको तमाम क्लोजर्स मिल चुके हैं ये आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड हो या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो आपको तमाम क्लोजर्स मिल चुके हैं इस नाइन ऑफ़ कार्ड्स नाइन ऑफ़ वार्नस के कार्ड के थ्रू ये पता चल रहा है तो आप अपनी सिचुएशन में इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपने सिचुएशन को डील कैसे करना है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई एक छोटा सा मैटर है जिसको आपने रिजॉल्व करना है जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है उन्होंने थोड़ा सा एक ज़िद्दी ज़िद्दी जिद जिद्ध में आ गए हैं और आप भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं शायद इसी वजह से एक दूसरे के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज की वजह से आप लोग जो है वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे और बातचीत ना होने की वजह से आपको भी इमोशनल लॉस फील हो रहा है उनको भी इमोशनल लॉस फ़ील हो रहा है तो सम हाउ मैं वर्गोस की लाइफ में इन टू वीक्स में ये देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ़ जो है वो इफ़ेक्ट हुई हुई है इस वक्त होप अभी भी है इस पर्सन को आपसे भी उम्मीद है और आपकी ख़ुद इट्स आपकी बड़ी होपफुल और सक्सेस अबंडेंट लाइफ है मेरे ख़्याल से आप इस एनर्जी में आएंगे तो कमिंग टू वीक्स में जो है आपके लिए मैसेज यही है कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आपके ऊपर तमाम चीज़ें रिवील हो चुकी हैं थोड़ा सा गेयरअप करने की ज़रूरत है बुरे सिनेरियोज़ और बुरे सिचुएशन से जाने से पहले ये एक अलर्ट और एक अलार्मिंग साइन है कि आई फील हो सकता है आप इतना ज़्यादा सीरियस इस वजह से भी हो गए हैं या हो गई हैं क्योंकि आपके आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा सीरियसली निभाते हैं ये पर्सन भी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं बट अगेन ज़िम्मेदारियाँ हर लिहाज से हर तरीक़े से होती हैं लेकिन उस लाइफ को गुजारते वक्त जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें इमोशंस की भी नीड होती है उसमें कम्युनिकेशन की भी नीड होती है उसमें डिस्कशंस की भी नीड होती है लाइफ को इन्जॉय करने की भी बात होती है तो आई गेस कि अगर आपको तमाम क्लोजर्स मिल रहे हैं तो इन कमिंग टू वीक्स में आप कोशिश करें कि आप इस सिचुएशन को डील कर सकें हैंडल कर सकें ताकि कमिंग टू वीक्स में आपके रिलेशनशिप वर्स्ट होने के बजाय जो है वो बेहतर हो जाए तो लेट्स सी आई थिंक ये जो हमारा एलिमेंट है जिसमें टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आता है आप लोग uh, किसी ना किसी तरीके से कुछ स्टक एनर्जीज़ में हैं तो मैंने अभी टॉरस की वीडियो भी अपलोड की है चाहे तो आप लोग उसको देखिएगा बिकॉज़ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सी एज़ आई सेट कि आपको आप इस एनर्जी में आ जाएँ ताकि आप अपनी लाइफ को वर्स किसी भी सिचुएशन को वर्स बनाने के बजाय जॉय करें चीज़ों को ईजी लें ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाएँ लाइट रखें चाहे वो टेम्परामेंट्स हों चाहे वो मूड्स हों चाहे वो बिहेवियर हो सीरियस uh, होना अच्छी बात है लेकिन बाज़ दफा इतना सीरियस हो जाना भी अच्छी बात नहीं है सी आइसोलेशन बिल्कुल सीरियस के आप खामोश हुए हैं और आपका पर्सन भी बिल्कुल सीरियस के खामोश हुआ हुआ है तो बातचीत कीजिए uh, जो भी आप लोगों के मसले हैं उनको ओपनली डिस्कस करें चाहे वर्क प्लेस पर हो या फैमिली में हो ताकि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व फॉर गिवनेस सी इतना ज़्यादा रेजनेट इतना ज़्यादा रीडिंग्स जो हैं वो आ जाती हैं बज़ दफ़ा एक दूसरे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगती हैं कोई बात हुई है जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हो सकता है कोई ऐसी बात कही जिस पर आप दोनों में नाराज़गी हो गई है फॉर करें क्योंकि देखें ये बात शायद बहुत छोटी सी है लुक एट साइज़ ऑफ द बेबी और द चाइल्ड वो कितना कितना छोटी सी वो शायद बात है और आपने उसको बहुत बड़ा बना लिया है और बिल बिला वजह में जो एक छोटी सी बात जो है वो आप लोगों की बहुत बड़ी बन गई है तो आप लोगों को आ, और एनर्जी या हीलिंग औरल से भी यही मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से कि लेट गो करें चीज़ों को छोड़ दें माफ़ करें एक दूसरे को और कमिंग टू वीक्स में जो है वो अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो अगर इस तरीक़े से डील करेंगे थिंग्स विल बी फाइन अगर ये रीडिंग आपसे रेजनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी लाइफ में आप किसी वर्गों और वे किसी वर्गों को डील कर रहे हैं और उनको आपको लगता है कि हाँ मुझे उसको भी रीडिंग शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा आई कम अगेन विद द फ्रेश न्यू रीडिंग टिल देन टेक केयर बाय